गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोखरा से काठमांडू चले जाएंगे। अभी मैंने कल फ्लाइट बुक करवा लिए थे, मेरे 9:40 के फ्लाइट है। अभी टाइम हो रहे हैं 6, तो यहाँ से 2.3 समथिंग किलोमीटर है। टैक्सी कितने लेते हो यहाँ से? एयरपोर्ट कितने हैं? एयरपोर्ट कितने हैं यहाँ से? एयरपोर्ट 700 रुपये। 700? हाँ ओके, मैं वॉक कर लूँगा, समय है मेरे पास। मैंने कल रात से सोचा था कि सुबह वॉक करूँगा। जितना वॉक करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाते हैं बदन में। डोमेस्टिक फ्लाइट है पोखरा से काठमांडू का। यहाँ के नेपाल के जो एयरलाइन है कैसे है देख लेते हैं। वैसे तो नेपाल एयरलाइन बहुत चर्चा में आए थे कुछ दिन पहले, बिकॉज नेपाल में प्लेन क्रैश बहुत होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम, मैंने आगे वीडियो में बताया था, यहाँ का मौसम जो एक दो मिनट में बदल जाते हैं। यहाँ पोखरा में बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलते हैं, सो उसके वजह से शायद हो जाते होंगे प्लेन क्रैश। आई डोंट नो एग्जैक्टली मेन रीज़न क्या है, मेरे ख्याल से वही होंगे। यहाँ के जो यति एयरलाइंस थे काठमांडू टू पोखरा, वो क्रैश कर गए थे। मैंने मेरा टिकट का फोटोकॉपी नहीं करवाए हैं, मेरा टिकट ईमेल में पड़ा हुआ है। आई मीन मैंने डाउनलोड कर लिया, मोबाइल में पड़ा हुआ है, मैंने फोटोकॉपी कुछ नहीं करवाया। देखते हैं, वहाँ शायद कुछ इशू नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया में तो हमने देखा है जो मोबाइल में लेके आते हैं बोर्डिंग पास, लेने में कभी कभी तकलीफ़ हो जाते हैं। यहाँ क्या होते हैं देखते हैं। मैंने फ़ोटोकॉपी तो नहीं करवाए मेरे टिकट के, अगर नहीं होंगे तो पास में कहीं से फ़ोटोकॉपी करवा लूँगा। मैंने कल कोशिश किया था फ़ोटोकॉपी करवाने का, लेकिन बंद था, मुझे फ़ोटोकॉपी करने का जगह कहीं दिखाई नहीं दिया। सो देखते हैं, आज एक्सपीरियंस करते हैं नेपाल एयरलाइन कैसे होते हैं। मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट किए हैं, और जो मेरे चाइनीज़ दोस्त हैं हुआंग, वो रह गए, उनका शायद कुछ काम होता होगा यहाँ, वो दवाई के बिजनेस करते हैं। हेलो, ये आधा घंटा का फ्लाइट है पोखरा टू काठमांडू, मगर वो एप्स में 24 मिनट दिखा रहे थे, सो इट विल बी माई शॉर्टेस्ट फ्लाइट। मेरे ख्याल से प्लेन उड़ते ही लैंड कर जाएंगे। और मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर किसी को नेपाल घूमने आना है तो एक पटाव करके ऐप है, हमारे इंडिया में उबेर चलते हैं ना, तो यहाँ पटाव चलते हैं, पटाव ऐप डाउनलोड कर लेना, वो काफ़ी मदद करते हैं काठमांडू में। लेकिन वो ऐप यहाँ पोखरा में नहीं चलते, सो जिसको काठमांडू आना है, काठमांडू घूमने आना है, पटाव ऐप डाउनलोड कर लेना, काफ़ी काम आते हैं वो, और उनका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, कम है। पोखरा काफ़ी महंगा है, ये एक टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ बहुत सारे फॉरेनर हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, लेकिन जहाँ भी हो महंगा होता है, मगर मुझे ये कुछ ज़्यादा महंगा लगा। यहाँ के जो खाने पीने की जो प्राइस है मुझे बहुत ज़्यादा लगा। पास में पहुँच गया, 1.5 किलोमीटर बचे हैं। पोखरा काफ़ी फ्रेश है, यहाँ एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो हवा है काफ़ी फ्रेश है, लेकिन काठमांडू बहुत पोल्यूशन है। यहाँ फ्रेश है हर जगह। यहाँ पोखरा में मैं 4 दिन रहा, 4 दिन में ही हर दिन 2-3 मौसम देखने को मिला। यहाँ मौसम बार बार चेंज हो जाते हैं, और एक चीज़ हमसे गलती हो गया, यहाँ मैंने पहले गूगल मैप में देखा था, यहाँ 2 एयरपोर्ट है, ये पास में ही एक एयरपोर्ट है, वहाँ से आगे से एंट्रेंस है। मैं यहाँ तक वॉक करके आया था, ये एयरपोर्ट को शायद प्राइवेट में यूज़ करते हैं या फिर गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर एबोव है, 5.5 किलोमीटर है। सो यहाँ से बस मिलते हैं, मुझे बताया कि यहाँ से बस मिलते हैं, सो मैं यहाँ बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बस से जाना पड़ेगा।
अभी मेरे पास 2 घंटा है, देखते हैं अगर समय में बस नहीं मिलते हैं तो मैं टैक्सी कर लूँगा। टैक्सी 20 मिनट में पहुँचा देंगे मुझे, 5.6 किलोमीटर। कहाँ से बस मिलेगा? वहाँ से कहाँ कहाँ आपको वहाँ खड़ा करना पड़ेगा। तो ये बस मुझे छोड़ दिया है यहाँ, ये नेपाल गवर्नमेंट के सिटी बस है, यहाँ के गवर्नमेंट बस है। बता रहे कि वो आगे से एयरपोर्ट के बस मिल जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर है एयरपोर्ट। सो मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ आगे मिलेंगे शायद एयरपोर्ट के लिए बस। यहाँ पेडेस्ट्रियन है, यहाँ से मैं क्रॉस कर लेता हूँ। सो मुझे जहाँ बस छोड़ी थी वहाँ से भी 4 किलोमीटर है एयरपोर्ट। सो मैंने टैक्सी कर लिया है, ये भाई साहब इनको मैंने बुला लिया है। कितना प्राइस बोला आपने? 400। 400 में धन गया है। हम दोनों अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो या यही था रूम से, मुझसे ये गलती हो गया, लेकिन अब लोग नहीं करना। यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं, मुझे गूगल मैप ने धोखा दे दिया, लेकिन मुझे सुबह थोड़ा वॉक करना भी था। सो मैंने वॉक किया सुबह। सो अभी समय कम है, मुझे पहुँचना है 8:40 वहाँ एयरपोर्ट में, 1 घंटा पहले। मेरा फ्लाइट है 9:40 का। सो मैंने टैक्सी ले लिया है, अभी जा रहे हैं हम दोनों एयरपोर्ट की तरफ। सो वहाँ देखते हैं किसे किसे रहता है। यहाँ बस है लेकिन मेरे पास लेकिन समय कम है। अगर आप बस से जाएंगे यहाँ से तो 30-40 रुपीस लगते हैं, बहुत डिफरेंस है। टैक्सी का 400 और बस का 30-40। बस से उतरने से इतना पैसा ज़्यादा पड़ेगा, आपके पास टाइम कम है। बस ये बाहर छोड़ती है, यहाँ एक बस बाहर छोड़ती है, एक बस अंदर भी आता है। वो अंदर वाला आने वाला बस मिलेगा तो अंदर भी आ जाएगा। यहाँ से समथिंग 1.5 किलोमीटर है ना, समथिंग वन किलोमीटर। ओके। सो ये मुझे पैदल चलना पड़ता अगर मैं बस से आता, लेकिन बस अंदर भी घुसने वाले होते हैं बोला। सो टैक्सी से आने का थोड़ा तो फ़ायदा मिला मुझे, समय बच गया मेरा। ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी तक तो इंटरनेशनल नाम तो दिया लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती है, अभी सिर्फ डोमेस्टिक चल रही है, लेकिन अच्छा बनाया ये एयरपोर्ट। ये ड्राइवर जी बता रहे हैं, आपका नाम क्या बोला था? जीवन। हाँ जीवन जी बता रहे हैं ये चाइना का मदद से ये एयरपोर्ट बनाया। चाइना से ज़्यादा दोस्ती हो गई ना, इंडिया से कम है ना नेपाल दोस्ती है ना क्या? अभी चाइना से थोड़ा बढ़ रहा है दोस्ती तो इंडिया से ही है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा, चाइना से दोस्ती बढ़ी है। इंडिया कभी कभी दुख भी रहा है ना। अच्छा, इंडिया से लेकिन यहाँ हर चीज़ सप्लाई होती है। पैसेंजर ड्रॉप ओनली। ओके, यहाँ से जो मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ ये अन्नपूर्णा रेंज है, यहाँ काफ़ी ऊंचा रेंज है। ये बीच में जो पॉइंटेड वाले हैं इसे पिस्तेल कहते हैं, वहाँ भी नेपाली बस्ती बहुत है। मेरा ये भी मिस हो गया, वहाँ ट्रैकिंग करने जाते हैं सब लोग। सो मैं एयरपोर्ट के अंदर अभी इंतर कर जाऊँगा। ये एंट्री है, ये वाली। तो मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल से मैंने दिखा लिया तो मोबाइल से भी हो जाते हैं। सो यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह फिर से होंगे। सो मेरा सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया, सिंपल सा प्रोसेस है। ये एक छोटा सा
एयरपोर्ट है, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मेरा गेट नंबर है 5, मेरा वहाँ आगे होंगे। सो अभी तक बोर्डिंग तो स्टार्ट नहीं हुए, मैं इंतज़ार करूँगा। गेट नंबर 5, हाँ यहाँ है गेट नंबर 5। अभी समय बचे हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ। बहुत लोग रुके हुए हैं फ्लाइट के लिए। मैंने कौन सा एयरलाइन से टिकट बुक किया है वो बताना मैं भूल गया। मेरा फ्लाइट है बुड्ढा एयरलाइन से, और मुझे ये फ्लाइट का दाम पड़ा नेपाली रुपीस में 3,695, जो कि इंडियन मनी में होते हैं 2,309। इतना चीप भी नहीं है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो पोखरा तो काठमांडू आते हुए का मैंने उसमें भी बताया 201 किलोमीटर है काठमांडू से पोखरा। यहाँ काठमांडू के बोर्डिंग हो रहे हैं ये, लेकिन हमारे जो फ्लाइट है उससे पहले वाले फ्लाइट की है। यहाँ बहुत जाती है, दिन में शायद 3-4 फ्लाइट जाती है, 3-4 से भी ज़्यादा जाती है, मैंने चेक किया था नेट में। यहाँ के लोगों का कहना है बुड्ढा एयरलाइन काफ़ी अच्छा है। देखते हैं बुड्ढा एयरलाइन कैसे है। छोटे वाले फ्लाइट है, 24 मिनट का फ्लाइट है ये, एक छोटा सा फ्लाइट जर्नी होगा पोखरा तो काठमांडू का। सो हमारे बोर्डिंग स्टार्ट हो गए, अभी फ्लाइट में बोर्ड कर लेंगे। थैंक यू। सो फाइनली बोर्ड करने जा रहे हैं फ्लाइट में, अभी ये बस आई है लेने के लिए। ये छोटा सा फ्लाइट है, हमारे वहाँ अरुणाचल में कहेंगे तो पासीघाट टू जो गुवाहाटी जाते हैं वैसे वाले छोटा सा फ्लाइट है। सो आज ट्राई करेंगे नेपाल फ्लाइट भी, पोखरा टू काठमांडू। 24 मिनट कहते हैं मगर मुझे लगते हैं आधा घंटा लगना चाहिए। सो या अभी बोर्ड करने जाएंगे। नमस्ते, प्लस बी फोर्टीन है दिस वन, थैंक यू। सो हम अपना सीट में बैठ गए हैं, अभी थोड़ा देर में निकल जाएंगे। विंडो सीट के लिए इस बार भी मैंने नहीं कहा था, लेकिन विंडो सीट मिल गए हैं। अभी थोड़ा देर पर निकल जाएंगे। मेरा शीशा मतलब ये विंडो में जो ग्लास लगा है क्लियर नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छा से दिखाई देना था। बाकी का मैंने देखा, ये बाकी वाले लोग का बहुत क्लियर है, किसी किसी में क्लियर नहीं है, जो कि मेरे में क्लियर नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का। व्यू काफी सुंदर है, आई होप कि लैंडिंग भी सेफली हो जाए, टेकऑफ तो काफ़ी अच्छे से हुआ। ये डोमेस्टिक फ्लाइट उतना ऊंचाई नहीं पकड़ते हैं, या अभी थोड़ा सा टर्बुलेंस हो गए थे, अभी भी हो रहे हैं। अ
अभी अनाउंस किए थे, हम काठमांडू तो पहुंच गए लेकिन एयर ट्रैफिक होने के कारण 10 to 15 मिनट लेट होगा। सो हम अभी काठमांडू का ऊपर में शायद थोड़ा सा सर्कल मारेंगे ये ऊपर में, उसके बाद जब एयर ट्रैफिक का वहाँ सिग्नल लेंगे तब लैंडिंग हो जाएंगे। अतिरिक्त सेवा सूचना आवश्यक भएमा विमानस्थल स्थित हाम्रो कर्मचारीसँग सम्पर्क राख्नुहोला। धन्यवाद। फाइनल अनाउन्समेन्ट हो गए, लैंडिंग कर जाएंगे। थैंक यू। सो हम फाइनली लैंडिंग कर गए, सेफली हम लैंडिंग कर गए। अभी शायद ये बस से जाएंगे। एग्जिट पॉइंट में ले जाएंगे शायद, यहाँ से पास में ही होते होंगे। यहाँ से अभी अपना लगेज ले लेंगे, यहाँ शायद लगेज मिलना चाहिए। लगेज लेने के लिए बहुत लोग हैं, रुके हुए हैं। हमारे लगेज भी यही आएंगे, एक ही बेल्ट है, लगेज बेल्ट एक ही है यहाँ। एक्चुअली ये डोमेस्टिक लगेज लेने का जगह है, सो एक ही बेल्ट दिया हुआ है डोमेस्टिक के लिए। देखते हैं कब आएंगे, जल्दी आ जाए तो जल्दी लेके निकल लो। ये टिकट का साथ में एक छोटा सा ये एक पर्ची स्टेपल करके दिया जाता है, इसको लगेज लेने के बाद यहाँ दिया जाता है, इसको ऐसे दिया जाता है इसमें। नहीं, मैं लगेज ले लूँगा किसी तो। सो मैंने अपना लगेज ले लिया है, यही था पोखरा टू काठमांडू फ्लाइट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से मैं टैक्सी या फिर पटाव कर लेंगे। आप लोग से मिलेगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे एक्सपीरियंस करना था नेपाल एयरलाइंस कैसी है, मैंने जितना हो सका आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश किया कि नेपाल एयरलाइंस कैसी है। वैसे तो 25-30 मिनट ऐसे दिखाते हैं लेकिन 45 to 50 मिनट समथिंग लग गए। यहाँ आम बात है कभी कभी 10-20 मिनट या फिर 30 मिनट लेट होना। सो या थैंक यू एवरीवन।